Assalamualaikum. Good afternoon, everyone, and welcome to our Obesity Awareness Talk Show. I am Dr. Zahra Anwar, and it is my pleasure to host this important discussion today. Obesity is a complex health issue that affects millions worldwide, and it contributes to different diseases like diabetes, hypertension, and even some cancers. But the good news is we can fight with obesity with different lifestyle modification, dietary changes, medications, and even surgical interventions. So today we have gathered an esteemed panel of specialists here who will provide their insight on obesity, its associated risk, and the available treatment options. Each of our experts bring a unique perspective, and together we aim to raise awareness about obesity and its management. Let's begin by introduction of our panel members. First of all, we have Dr. Salahuddin. He's our endocrinologist here. Then Dr. Kamran Babar. He's American board certified interventional cardiologist. Then Ms. Tasneem Zahra. She's American board certified dietitian. Then Dr. Asiya Rehman, who is our expert gynecologist. Dr. Irma Khan, who is the bariatric surgeon and who does weight loss surgeries in South Indore, Punjab, or also in the Bhuj Hospital. Then Ms. Nadia Fahim, who is psychologist of our panel. Thank you all for joining us today. Now let's dive into the discussion. Dr. Salahuddin, I have few things in my mind. How does obesity affect hormone regulation in the body? If you can explain a little bit. Yes, sure. First of all, I appreciate Bhuj management and Dr. Zahra Anwar for arranging such an excellent awareness session, and thank you very much for inviting me. Madam, अगर मैं अपने डोमेन में एंडोक्राइन में बात करूँ, ठीक है, तो ओबेसिटी अब एक बेसिकली कंडीशन नहीं है, डिजीज़ है, ठीक है, और हेल्थ क्राइसिस है हमारा ना. स्पेशली अगर मैं अपने उसमें देखूं कि ओबेसिटी से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, हाइपर इंसुलिनीमिया होगा, हाइपर इंसुलिनीमिया क्या कहते हैं, प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़, डिस्लिपिडीमिया, ठीक है, प्रिकॉशियस पोबर्टी, जो हमारे मेन इश्यूज हैं हमारे. अच्छा, स्किन मैनिफेस्टेशंस फिर उसमें आना शुरू हो जाती हैं, स्किन टैग्स हैं, एकेंथोसिस, नाइग्रिकेंस. आप सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं तो मैं थोड़ी टर्म्स वो वाली यूज़ कर रहा हूँ जो मेडिकल रिलेटेड टर्म्स हैं, कि एकेंथोसिस, नाइग्रिकेंस हैं, कि ना हमारी ब्लैक पिगमेंटेशन मिल जाती है नेक पे, आर्म पिट्स में. तो मेरा उसमें यहाँ पर ये होगा कि पब्लिक में जब आप लोग अगर देखें स्किन टैग्स आ रहे हैं, स्किन पे अगर एक्नी है ओबेसिटी के साथ, तो सबसे पहले आप अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें कि हो सकता है आप भी ओबेसिटी की डिजीज़ का शिकार हो रहे हैं. थैंक यू. थैंक यू सर. वन मोर थिंग, ओबेसिटी, इफ़ अ पेशेंट हैज़ ओबेसिटी और किसी पर्सन को मोटापा है, जी जी, वेट लॉस के लिए डिफरेंट मेडिकल एडवांसमेंट भी होंगे ऑफकोर्स, आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, यू नो बेटर. तो हम, हमारे पास क्या क्या मेडिकल एडवांसमेंट अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ मेडिकेशंस टू ट्रीट ओबेसिटी? थैंक यू मैडम. इसमें वाकई ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, जिसमें हमारे बाकी तो कार्डियोलॉजिस्ट जैसे हमारे सारे टीम्स बैठे हैं मैडम, डाइटरी एडवाइसेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जैसे, वो आगे हमारे पैनल बताएंगे, सारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट मेंबर्स हैं. मेडिकली अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास तीन तरह की इसमें मेडिसन्स होती हैं. एक वो मेडिसन जो हमारी सेटाइटी को वो एनहेंस करती हैं और हमारे हंगर को सप्रेस करती हैं, ठीक है, हम खाते कम, ठीक है. फिर मेडिसिन्स क्या आ गई कि अगर हमने खा लिया उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देंगी, ठीक है. तीसरी तरह की मेडिसिन, मैं क्लास ऑफ ड्रग्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें भी डिफरेंट हर ड्रग का साइड इफेक्ट प्रोफाइल देख के. तीसरी मेडिसिन हमारी उस तरह की होती हैं कि जो हमने खा भी लिया, एब्जॉर्ब हो गया, हंगर भी थी हमारी, लेकिन हमारे मेटाबोलिज्म को फास्ट करते हैं, ठीक है, और हमारा वेट लॉस होता है. तो तीनों में फिर डिफरेंट क्लासेस हैं कि जिस तरह जो हमारी सेटाइटी को सप्रेस करती हैं. अच्छा, सेंट्रली एक्टिंग में हमारे पास टोपरामेट आ जाती है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं बहुत सारी जो पहले थी. अब रिसेंट एडवांसमेंट है जो वर्ल्ड में सबसे चल रही है, वो GLP-1 एनालॉग्स हैं, ठीक ठीक. उसमें मल्टीपल मेडिसिन आई, पहले हमारी लिराग्लूटाइड आई, फिर सीमाग्लूटाइड आई, फिर अब रिसेंटली टिर्ज़ापेटाइड आई, ठीक है, जो कि क्लेम करते हैं 30-40% ऑफ द इनिशियल बॉडी वेट जो हमारा वेट लॉस हो जाता है.
तो जाहिर बात है कि उससे हमारी अच्छी भली ओबेसिटी जो है ओवरकम हो जाती है। और वही बात है, साइड इफेक्ट प्रोफाइल बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू उन मेडिसन्स के जिनसे हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, बीएमआर बढ़ाती हैं, वो फिर कार्डियक इश्यूज और उस तरह के मसाइल आ जाते हैं। उसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल बड़ा सेफ है और हमारा वेट लॉस बहुत ज़्यादा है। यानी हमारे पास लेटेस्ट ड्रग्स अवेलेबल हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं टू कोप विद ओबेसिटी। बिल्कुल, मैंने वही बताया कि 40% वेट लॉस हम कर सकते हैं इनिशियल वेट। एंड दे आर इंजेक्टेबल्स, सम और ओरल आल्सो अवेलेबल। मैडम उसमें इस तरह है कि ना पाकिस्तान में अभी तक इंजेक्टेबल फॉर्म में है, लेकिन बाहर ओरल टेबलेट्स भी अवेलेबल हैं और उम्मीद है कि बड़ी जल्दी पाकिस्तान में भी वो आ जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर सलाह। थैंक यू मैडम। आई हैव फ्यू थिंग्स इन माई माइंड फॉर यू डॉक्टर कामरान। श्योर। What are the most significant cardiovascular risk associated with obesity? And one more thing, like agar ek banda obese hai and he doesn't have any other condition like diabetes, should he consult a cardiologist at some point? Unfortunately, by the time the patient comes to a cardiologist, they have already been fallen prey to the complications of obesity. Unfortunately, also, the kind of obesity that we see in our society is not the classic obesity which we see in literature from the west side. Pakistan, India, Bhutan, jo Southeast Asia ke log hain, inke andar visceral fat zyada hone ki wajah se metabolic complications jaldi aa jati hain. To zaruri nahi ki visibly banda ek aapke samne mota ho aur uski complications ka shikar ho. इवन जिस तरह से गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के लोग पेशेंट्स आते हैं फैटी लिवर के साथ, तो आजकल जो फैटी लिवर डिजीज़ है वो इवन लीन पेशेंट्स के अंदर भी आइडेंटिफाई की जा रही है, क्योंकि हमारे खाने के पैटर्न में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा ऑयल, घी, चिकनाई का इस्तेमाल है, तो उसकी वजह से और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, क्योंकि हर कोई सेलफोन एंड स्क्रीन टाइम का शिकार होता चला जा रहा है, सो फिजिकल एक्टिविटीज़ का फुकदान हमारी सोसाइटी में, चूँकि हमारे पेरेंट्स नहीं करते तो बच्चे भी नहीं करते, क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो आप उन्हें कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं। सो आई थिंक हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम लोग अपने आप को ज़्यादा हेल्दी ईटिंग एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल, गेम स्पोर्ट्स की तरफ रागब करें और बच्चों को प्रमोट करें कि वो स्किल्ड स्पोर्ट्स की तरफ आए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है रिलेटेड टू ओबेसिटी, उसमें हाइपरटेंशन इज द नंबर वन। एसिम्टोमेटिक, कोई सिम्टम्स नहीं होते, अनलेस यू चेक इट यू वोंट नो अबाउट इट। कई दफ़ा ये ओबीस पेशेंट्स जो कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल के शिकार होते हैं, ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का भी शिकार होते हैं और वो भी एक सेकेंडरी तौर पे हाइपरटेंशन की वजह बनती है। स्ट्रेस हम सबको है और अल्लाह ताला ने हर एक के हिस्से की आजमाइश उसके डाली हुई है, सो स्ट्रेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन मैनेज कर सकते हैं, और उसके अंदर अच्छी स्लीप, अच्छी एक्टिविटी और फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस के साथ जो चीज़ ट्रिगर करती है वो आपके ऐसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं जिनके राइज होने की वजह से आपके विसरल फैट के अंदर इन्फ्लेमेशन, और वही आपके वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन जब बढ़ती है तो एक प्लैक रप्चर होता है, जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक हमारे कोलेस्ट्रॉल की वजह से बिल्डअप होता है, वो प्लैक अगर गर्दन की नाली में हो तो स्ट्रोक का बायस बन सकता है, और अगर वो दिल में हो तो हार्ट अटैक का बायस बन सकता है। लास्टली जो ओबेसिटी के साथ लिंक्ड है, दैट इज हार्ट फेलियर, और बहुत सारे लोग अभी हाइपरटेंसिव नहीं होते डायग्नोस्ड और हार्ट डिजीज का शिकार नहीं होते, लेकिन वो क्लासिक सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर के साथ आते हैं, और हमारी पब्लिक में अभी हार्ट फेलियर की ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो इसमें नॉर्मली जो सिम्टम्स अलार्मिंग होते हैं उसमें लेग्स के ऊपर स्वेलिंग, टांगों का सूजना, सांस का चढ़ना, जल्दी थक जाना, तो अगर ये आप अपनी फैमिली में स्क्रीन करें तो आधे लोगों को तो ये कंप्लेन अक्सर होती है, तो इसके लिए प्रॉपर वर्कअप की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरवेट होना शुड बी एक ऐसा सिम्टम कह लें या एक ऐसा साइन कह लें जिस पे कि आपको ऑलरेडी ट्रीटमेंट फ्रॉम लाइफस्टाइल की ज़रूरत है, और अगर आपके सिम्टम्स ज़्यादा हो रहे हो, सीने पे दबाव हो, सांस जल्दी चढ़ रहा है, टांगों पे सूजन आ रही है, तो डेफिनेटली इट्स टाइम टू सी ए कार्डियोलॉजिस्ट। एंड कैन वेट लॉस अलोन रिवर्स सम ऑफ द हार्ट कंडीशंस इफ दे आर कॉज्ड बाय ओबेसिटी? सो
वेट लॉस अगर सिग्निफिकेंट हो 10-15%, एक बंदा अगर 100 केजी वेट का है और वो अपना रिड्यूस करके उसको 85 तक लेकर आता है, तो ना सिर्फ वो अपने हार्ट का साइज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इसके साथ साथ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के सिम्टम्स, हार्ट के चेंबर के साइजेस रिवर्सल भी एको के अंदर देखे गए हैं. तो जैसे जैसे आपका बॉडी सरफेस एरिया और बीएमआई रिड्यूस करता है, उसी तरह से यू कैन एक्चुअली ऑब्जेक्टिवली सी दीज चेंजेस. ना सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ स्लीप बेहतर हो जाती है, उनका वॉकेबिलिटी, उनका सांस का ना चढ़ना, उनके मेट्स एक्टिविटी जो वो कर सकते हैं, ये सब चीज़ें डेफिनेटली इम्प्रूव होती हैं. यानी वेट लॉस अलोन बहुत हेल्प करेगा इन एडिशन टू मेडिकेशन. सिर्फ मेडिकेशन देना ज़रूरी नहीं है, इफ़ यू हैव सम हार्ट कंडीशन यू नीड टू लूज वेट ऑल्सो. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैडम. आपसे मेरे आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. थैंक यू. बट आर द मोस्ट सस्टेनेबल डाइटरी चेंजेस फॉर ओबेस पेशेंट्स, जिससे बहुत सारे लोग, अब बहुत सारी डाइट्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं और बहुत सारी डाइट्स ट्राई करके करते भी हैं जिनसे फ़र्क नहीं पड़ता या पड़ता है तो बहुत टाइम नहीं होता है, तो सस्टेनेबल चेंजेस क्या है जो हम अपनी डेली लाइफ में कंटिन्यू कर सकें टू हेल्प वेट लॉस? थैंक यू सो मच. क्योंकि वाकई ये इस वक्त एक डिलेमा है हमारी सोसाइटी का कि हमें इंटरनेट पे बहुत सारे डाइट प्लान्स मिलते हैं, बहुत सारे क्वैक्स भी होते हैं और उसी को ही वो ट्राई करते रहते हैं सारे घर में बैठ के. बेसिकली ओबेसिटी है क्या? इट्स एन इम्बैलेंस. इट्स एन इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी इनटेक वर्सेस एनर्जी एक्सपेंडिचर. यानी गाड़ी चलनी है तो उसको फ्यूल चाहिए, सो हमें भी कोई फ्यूल चाहिए. दिस इज आर फ्यूल कि हमने एवरीडे टास्क करने हैं, हमने सारे काम करने हैं. लेकिन जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा वो फैट्स की फॉर्म में स्टोर होगा, एडिपोज टिश्यूज़ की फॉर्म में, और वहाँ पे आप अपनी कैटेगरी से आउट हो जाएंगे. यानी वज़न ज़्यादा आपका उसमें ओवरवेट या ओबेसिटी में काउंट होगा. सो पहली चीज़ उस बैलेंस को अचीव करना, यानी थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट करें ताकि बॉडी अपनी स्टोर्ड एनर्जी को यूज़ करें. सो इस चीज़ को समझाना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे पास मिथ्स होती हैं कि हम ये अगर हम नींबू पानी ले लेंगे, गार्लिक खा लेंगे तो वज़न कम हो जाएगा, एप्पल साइडर विनेगर, सो वो कैलोरी डेफिसिट जब तक नहीं होगा एक डेंट नहीं पड़ेगा वेट लॉस के लिए. सो उसके लिए एक्चुअली कैलोरी डेफिसिट करने की ज़रूरत है. उसके बाद ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि बैलेंस्ड हो, क्योंकि हमारी एक नीड है बॉडी की कि भाई इतने परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए, इतने परसेंट फैट्स, इतने परसेंट प्रोटीन्स. उस बैलेंस के हिसाब से आपकी डेली रूटीन चलनी चाहिए. हमारे पाकिस्तानी फूड एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड सारे फूड्स में फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा है. सो जब हम उनको ये समझाएं कि भाई आप तरी वाले खाने में, कम ऑयल में भी खाना बन जाता है, अगर आप उनको ये समझाएं तो फिर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी पड़ती. जो आपने कहा ना कि मल्टीपल फेलियर्स, उसकी वजह यह है कि एक होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक होता है लाइफस्टाइल चेंज. हम एक नई चीज़ ला के उनके ऊपर इम्प्लाई करें कि आपने इसको फॉलो करना है, तो वो दो हफ्ते या तीन हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि हमारी एक ब्रॉटअप है, हम बचपन से एक चीज़ इंटेक की आदत है हमें. सो उसके लिए कस्टमाइजेशन की ज़रूरत है. उनकी फूड प्रेफरेंसेस को जानना ज़रूरी है, उनकी रूटीन को जानना ज़रूरी है. अब मेरे पास एक ट्रैफिक वार्डन आया है, सारा दिन वो सड़क पे खड़े होकर ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है, और मैं उसको कहूँ कि आपने दोपहर को घर जाके रोटी सालन ये खाना ऐसा, कैसे जाएगा वो ड्यूटी छोड़? सो उसकी लिविंग के हिसाब से, एक बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, उनके पास सिर्फ मेस का फूड अवेलेबल है, किचन नहीं है, तो वो मैं एक स्टैंडर्ड दे दूँ आपने बस ये खाना है, तो वो कहाँ से अवेलेबल होगा? उनकी सिचुएशन को समझना ज़रूरी है. बेबी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है. 1 or 2 चेंजेस एट अ टाइम, 360 चेंज लास्ट नहीं करेगा. सो लेकिन अगर मीन्स, और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ अब अक्सर ना स्क्रीन के साथ, चाहे वो टेलीफोन है, चाहे वो टीवी है, चाहे गेमिंग है, बच्चे या बड़े, इसमें कोई फ़र्क नहीं रह गया. माएँ खुद भी अपने बच्चों के साथ बैठ के अपने फ़ोन पे जब वो उठती है, मेंटली वो उनके साथ प्रेजेंट नहीं होती है. तो फिर फूड अल्लाह की तरफ से एक जो रिस्क है वो हमारे लिए एक फेवर है अल्लाह की, हमारे लिए अल्लाह ने हमें रिस्क दिया. शुक्र अदा करने का तरीका ये है कि उसको तवज्जो दी जाए, अपनी 5 senses, देखना, सुनना, सूंघना, टच करना, इन सबको टूवर्ड्स द फूड अपने एक्वायर किया जाए. बाय 5 minutes, 10 minutes हमारा गिजा, हमारी गिजा हमसे तवज्जा चाहती है, हमें उसको निगलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स नॉट अ साइड आइटम, इट्स अ मेन आइटम, हमारी ज़िंदगी का फ्यूल है ये. सो उसको तवज्जा देंगे तो अल्लाह का शुक्र भी ज़्यादा अदा करेंगे. इसी से हम स्लो खाते हैं. जब हम स्पीड ईटिंग करते हैं ना, तो इससे पहले कि हंगर क्यूज या सेटाइटी सेंटर में हमें पता चले कि भाई पेट भर गया, हम ओवर ईट कर चुके होते हैं. सो माइंडफुल ईटिंग, ईटिंग एट प्रेजेंट,
इसकी वजह से हम अपने आप को थोड़ा स्लो डाउन कर लेते हैं और हमारे सैटेलाइटी सेंटर में मैसेज आ जाता है कि भाई बस और ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते। लेकिन सबसे ज़्यादा सक्सेस स्टोरी कहाँ लिखी जाती है? हमारा वेट लॉस सबसे अच्छा तब वहाँ होगा जब हमें ये पता होगा कि हम वेट कम क्यों करना चाहते हैं, द रीज़न, द इंसेंटिव, वाई यू वॉन्ट टू डू दैट। मेरे अपने पेशेंट से अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि भाई आप करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि एक है कि बच्चे को माँ ले आई, अब पिछले हफ्ते की बात है, 11 साल की बच्ची की वीडियो कंसल्टेशन मैं कर रही थी, वेट उसका ठीक है डेफिनेटली ज़्यादा था, 90 kg था, 11 साल की बच्ची है, लेकिन जब उसकी माँ ने उसको कैमरे पर लाई है तो वो बच्ची रो रही थी एंड आई फील बैड फॉर दैट गर्ल कि उसको और सोसाइटी कितना उसको बुली कर रही होगी जो वो इतने स्ट्रेस में है। तो मैंने उसकी माँ को कहा है कि आप उससे कैमरा हटाएं, आप फ़ोन लें और आप दूसरे कमरे में चली जाएं, मुझे आपसे पहले बात करनी है, मुझे बच्चे को समझाने से पहले माँ को समझाना है कि उसको इस तरह से वो बम्बार्ड ना करे कि वज़न कम करो। अब ग्रोइंग एज है, कुछ चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं, लेकिन अगर वेट बहुत ही ज़्यादा है तो कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन उस बच्ची का एक्सेप्टेंस में आना ज़रूरी है, उसको मानना ज़रूरी है कि उनको वेट लॉस कम करने की ज़रूरत है। अगर आप पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा वेट लॉस कर ले या कोई स्कूल के दोस्त तंग करते हैं तो वो बच्चा कभी भी वेट कम नहीं करेगा जब तक वो यू एंड देम आर ऑन द सेम पेज। तो इससे फिर हमारी जो सक्सेस स्टोरी है वो अच्छी लिखी जाती है और वज़न अच्छे तरीके से कम होता जाता है। लेकिन ओवरनाइट मिरेकल की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वज़न बढ़ता भी आराम आराम से तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए तो फिर उससे बेहतर हो जाता है। थैंक यू। थैंक यू मैडम। आई वॉज थिंकिंग दैट obesity affect reproductive health, but what are the challenges which women face in terms of fertility and pregnancy? Well, Dr. Zara, thank you so much for giving me the opportunity to talk on the that topic which is becomes now the stigma of our society. और उसके बाद थैंक यू सो मच तस्नीम कि उन्होंने मेरी हाफ अप्लाई वैसे ही जवाब दे दिया by in terms of obesity definition and the lifestyle modification. Well, no doubt that obesity has a great impact on the reproductive health of our female, especially start from their adolescent age up to the pregnancy and even the puerperium and even after the puerperium. How is it possible? Obesity, you already know, Tasneem said, what is obesity? This is the imbalance. And when imbalancing occurs in our lives, fat cells increase. And what does fat cells do? They alter the hormonal levels. And when hormonal levels alters, they increase the estrogen level and decrease the insulin sensitivity. Basically, these two biochemistry and biochemical reaction are the culprit of this obesity and their impacts on our reproductive health. Before marriage or before pregnancy, how it impacts our life? These imbalancing of hormone leads to an ovulation. एन ओवुलेशन मीन्स आपका ओवुलेटरी डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाता है। एस्ट्रोजन लेवल की इंक्रीज होने से, इंसुलिन रेजिस्टिविटी सेंसिटिविटी के कम होने से, जब एन ओवुलेशन होगी फर्स्ट इम्पैक्ट होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर। आपका पहला पेशेंट आता है जी मेंसेस कम आ रहे हैं, वक्फा बढ़ा है, दिस व्हाट वी कॉल्ड ओलिगोमेनोरिया। ये जब बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो ये इनफर्टिलिटी पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, दिस विल कॉज PCOS। सो दिस हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट फ्रॉम द इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन बिकम्स दे गॉट हैविंग एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, एक्नी, हिर्सुटिज्म, वेट गेन, ओलिगोमेनोरिया एंड लास्टली इनफर्टिलिटी। हाउ इनफर्टिलिटी? नंबर वन, अब वो हमसे आके पूछती हैं कि जी बहुत सारी मोटी खवातीन के बच्चे हो रहे हैं, तो हम उन्हें कहते हैं अगेन द सेम थिंग जो अभी डॉक्टर कामरान ने कही, विसरल फैट। अनलकली हमारी जो फूड है वो दे जो स्टेपल डाइट है हमारी, उसमें हम सबसे लो स्टेपल डाइट लेते हैं विच इज़ व्हीट। तो ये क्या करती है, ये आपके विसरल फैट बढ़ा देती है, आपकी इन जो आपकी ओवरी का फंक्शन है, जो आपकी ओवेरियन रिजर्व है, जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से आपसे मिलियन से स्टार्ट हो गए, 250 अंडे पड़े हैं, एग्स पड़े हैं, वो डिसफंक्शन शुरू होना शुरू हो जाती है, एन ओवुलेशन हो जाती है, ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है, क्वालिटी ऑफ एग्स कम होना शुरू हो जाती है, दिस वक्त इज ओनली द ओबेसिटी। फिर हम उनको साइकोलॉजिकली मेडिकली ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। ये तो है आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिफोर प्रेगनेंसी। एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ अगर पेशेंट प्रेगनेंट हो जाती है और उसका BMI एक हम खास कैलकुलेटेड होता है
जिसमें हम अपने डाइटिशियन को अपने साथ रखते हैं। BMI मोर देन 25 to 28, ये हमारा साउथ एशिया का है जिसमें हम ओबेसिटी कह देते हैं, लेबल कर देते हैं। वो क्या करती है, दिस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ओबीज वोमेन हैव इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मिसकैरेजेस, दे हैव थायराइड डिसफंक्शन। देन सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑल द मेडिकल डिसऑर्डर्स स्पेशली प्री एक्लैम्शिया, गेस्टेशनल डायबिटीज, ये दीज बिकम्स मोर एनहांस, मेडिकल डिसऑर्डर्स बिकम्स मोर एंड मोर रिस्क इंक्रीज इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द ओबीज पेशेंट्स। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर रिस्क ऑफ डीबीटी, रिस्क ऑफ एक्लैम्शिया। देन डिलीवरी टाइम्स, इधर वजाइनल डिलीवरी एंड द एब्डोमिनल डिलीवरी, इफ वजाइनल डिलीवरी देर इज रिस्क ऑफ शोल्डर इम्पैक्शन, शोल्डर डिस्टोशिया, डिफिकल्ट डिलीवरी, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, there's so much causes. And if we go for the abdominal delivery, there is increased recovery time, increased wound dehiscence risk, DVT again, immobility and cost effectiveness. So ye sara sab kuch ek dilemma banke its obesity se hum end pe dekhte hain. And what about the purpurium? There's increased risk of purpureal psychosis, purpureal blues. ये सब वो चीज़ें हैं जो एक ओबीज पेशेंट्स में हम पढ़ते हैं, देखते हैं, ट्रीट करते हैं, और ये आप दोनों एंड पे ये एक डिलेमा बन जाता है। दिस इज़ व्हाट, सो द टेक होम मैसेज, ओबेसिटी को कंट्रोल करें विद द हेल्प ऑफ डाइटिशियन, इसको लें ऐसा कि दिस इज़ द रिस्क फैक्टर्स, सो अवॉइड इट, कंट्रोल इट, प्रिवेंट इट। मैडम हम देखते हैं बहुत कॉमन है PCOS, अब क्योंकि ओबेसिटी कॉमन है तो PCOS भी कॉमन है, और बहुत सारी फीमेल्स के ये प्रॉब्लम दे आर डायग्नोज विद PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, क्या कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस और इंटरवेंशंस हैं टू ट्रीट ओबेसिटी इन PCOS, और इट इज़ जस्ट सेम एज इन एनी अदर पेशेंट विद ओबेसिटी? एक्चुअली वेल PCOS इज नाउ बिकम्स अ सिंड्रोम, जब हम पढ़ा करते थे MBBS में दिस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, बट नाउ इट्स अ सिंड्रोम। और सिंड्रोम क्या होता है कि ये ट्रीटेबल नहीं है, मैनेजेबल है, और जो चीज़ मैनेजेबल होती है जस्ट स्टार्ट फ्रॉम देयर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में द फर्स्ट इज डाइट, डोंट गो फॉर जिम एंड दिस एंड दैट, इधर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट फर्स्ट डाइट, गो एंड कंसल्ट विद योर डाइटिशियन, चेक वेदर दे आर टेकिंग लीन प्रोटीन्स, हाई फाइबर डाइट, लो फैट डाइट, देयर टाइम्स रेगुलेशन, ये सब कुछ आपकी डाइटरी प्लान्स में होना चाहिए। नंबर टू है आपकी एक्सरसाइज, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बोथ इंक्लूड इवन कार्डियो एंड वेट रेजिस्टेंस, बोथ आर हेल्पफुल, खाली वॉक करना इज नॉट एनफ, गो एंड चेक फॉर द वेट रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज, एंड ऑब्वियसली थर्ड नंबर पर हमारे पास मेडिकेशंस हैं, द सो कॉल्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट ओल्ड वन एंड द जो एक कन्वेंशनल ड्रग है मेटफॉर्मिन, दो उसके ऊपर डिफरेंट थेरीज आती रहेंगे, दिस इज द प्लेसिबो, नो, बट दिस इज अफेक्ट, उसका अफेक्ट क्या है, वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को एनहेंस करता है एंड इट विल हेल्प। इसके अलावा आप हमारे पास बहुत सी फैंसी ड्रग्स आ चुकी हैं जो डॉक्टर सलाहुद्दीन इसका ऑलरेडी जिक्र कर सके, येस दे हैव अ लिटल साइड इफेक्ट्स विद लेसर कॉम्प्लिकेशंस, अब तो उनके बहुत सारे Me-1, Me-2 और सब कुछ आ चुके हैं, वो हमारे लिए हैं एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग देम एंड वी आर हैविंग द गुड रिजल्ट्स। द रीज़न फॉर दिस क्वेश्चन वाज कि ज़्यादातर लोगों की ये थॉट प्रोसेस है कि जो PCOS के साथ वेट गेन है उसको लॉस करना ज़्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू ओबेसिटी विदाउट PCOS, वो एक लिहाज से ठीक भी है क्योंकि PCOS में हमें पता है इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी कम है, वो हमारे लिए अच्छा है उनके लिए, तो वो बेसिकली द रेजिस्टेंट फैट है और उसके लिए आपको ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हर हाल में करने चाहिए जिसमें आपका डाइटिशियन है, साइकोलॉजिस्ट है और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, दे मस्ट हैव वर्क ऑन द पेशेंट्स एंड वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस दैट वो PCOS गर्ल्स इवन आफ्टर मैरिज दे आर एंटर्ड इन देयर फर्टाइल लाइफ एंड दे आर हैविंग द किड्स विद अ गुड लाइफ मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच मैडम। हमने ओबेसिटी के रिस्क फैक्टर्स डिस्कस किए एंड मेडिकेशंस, नाउ व्हेन शुड वी गो फॉर सर्जरी? सर, एट व्हाट पॉइंट अ पेशेंट शुड कंसीडर बैरियाट्रिक सर्जरी, और व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिसाइड दैट दिस पेशेंट इज गुड फॉर सर्जरी और नॉट?
Well, assalamu alaikum. Thank you, Dr. Zahra, for inviting me and giving me this opportunity. Well, my name is Dr. Muhammad Armughan. I'm a bariatric surgeon working in South Punjab region and also in Butch Hospital. The criteria to diagnose obesity, there are multiple criteria all over the world, but the simplest one is BMI. BMI kya hota hai? BMI se banta hai body mass index. Aapke jism mein charbi aur मसल्स का तनासुब निकाला जाता है डिपेंडिंग ऑन आपकी हाइट और आपके वेट से. ठीक है, ये एक सिंपलेस्ट फॉर मतलब नॉन टेक्निकल पर्सन एक सिंपलेस्ट सी डेफिनेशन है. अच्छा, अब इस बीएमआई के मुख्तलिफ स्टेजेस हैं. 25 से ऑनवर्ड आप ओबीस क्लास में एंटर होना शुरू होते हैं. जो सर्जन्स की डोमेन है वो शुरू होती है 35 बीएमआई से. अच्छा, 35 बीएमआई विद कोमॉर्बिडिटीज. ठीक है जी, मींस एक पेशेंट जिसका बीएमआई 35 है और उसको साथ में कोई लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जोड़ों का मसला है, दिल का मसला है, या हाइपरटेंशन है, या उसको कोई डायबिटीज़ है. ठीक है जी, या इवन के उसको रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं, तो स्लीप एपनिया सिंड्रोम है. ठीक है जी, तो इस सारे को कोमॉर्बिडिटीज़ कहते हैं. इनमें से कुछ भी है तो इसको हम ऐड कर देते हैं कि जी नाउ ही और शी इज़ अ कैंडिडेट फॉर अ ब्रियाटिक सर्जरी. अच्छा, लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है उनके लिए कट ऑफ लाइन है 40 बीएमआई. ठीक है, लेकिन कुछ लोग कॉस्मेटिकली करवाना चाहते हैं तो वो भी इसमें फॉर देयर ओन इंटेंशन आना चाहते हैं, आ जाते हैं. लेकिन स्टिल गाइडलाइंस कहती हैं 35 विद कोमॉर्बिडिटीज़ शुड गो बेटिक सर्जरी एंड 40 प्लस विद कोमॉर्बिडिटीज़ should go without or with comorbidities should go for bariatric surgery. This is the guideline. Okay. Long term effects क्या हैं bariatric surgery के, and इससे quality of life पे long term क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, well, जब ये patient हमारे पास आते हैं तो we surgeons don't deal it alone, because for us bariatric obesity is again a syndrome. We always adopt a multidisciplinary approach. This is the whole discipline sitting in front of you, जिनकी हम ना पूरी की पूरी help लेते हैं. ठीक है जी, psychologist, nutritionist, physician, and support group like cardiologist and respiratory therapist and pulmonologist and the surgeons. ठीक है जी, हम as a team ही चलते हैं. And fortunately in Butch we have all this team together in a single roof. अब इस patient को मतलब हमने deal कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल दो तरह के प्रोसीजर्स हैं, एक है रिस्ट्रिक्टिव टाइप, दूसरे हैं मेल अब्जॉर्प्टिव टाइप. मतलब एक है जिसमें हम आपका खाना सिर्फ कम कर सकते हैं, मरीज को भूख लगना कम हो जाती है ड्यू टू सम सर्जिकल इंटरवेंशन और उसका खाना भी कम हो जाता है. लेकिन दूसरा ग्रुप है जिसमें मरीज को भूख लगना तो कम होती है लेकिन अगर वो ओवर ईट कर भी जाता है तो वो लगता भी नहीं है. अब दो चीज़ें जो उसको इफेक्ट कर रही हैं वो तो इनसे ही रिलेटेड हैं कि अगर पेशेंट इस हमारे पास आता है तो मींस वो मेडिकल स्पेशलिस्ट से मिल चुका है, न्यूट्रिशनिस्ट से वो फेल्ड हो चुका है और वो अपनी लाइफ में मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से तंग है, और साइकोलॉजिस्ट के पास अगर वो नहीं भी गया तो हम उसको ज़रूर भेजते हैं ताकि उसको एक दफ़ा ओरिएंटेशन हो कि दिस सर्जरी इज़ नॉट फॉर जस्ट अ कॉस्मेटिक रीज़न, दिस इज़ टू चेंज योर लाइफ स्टाइल. ठीक है जी, तो वो एक कमिटमेंट के साथ हमारे पास आता है, इस कमिटमेंट को लेके चलना है. अब जो कॉम्प्लिकेशंस की बात है वो कॉम्प्लिकेशंस इस कमिटमेंट के साथ जो आएगा वो डील करेगा, वो मतलब उसको बर्दाश्त करेगा. मींस रिस्ट्रिक्टिव टाइप वालों को एक कुछ अरसे के बाद फील होना शुरू हो जाता है कि मैं तो पूरी कढ़ाई खा जाता था, चरखा खा जाता था, अब तो मुझसे एक बोटी नहीं खाई जाती. और ये होता है डेढ़ साल बाद, दो साल बाद, मतलब जब पेशेंट एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल में आ जाता है और कंफर्ट जोन में आ जाता है, वो कहते हैं मैं तो पेप्सी पूरी की 1.5 लीटर की बोतल पीता था और अब मैं पेप्सी का मुझे मना कर दी गई है, ये कैसे? वो फिर चुप चुप के ना पी रहा होता है और हमें पता चल जाता है कि जब वो उसको ये इशू होता है. तो एक तो ये है कि रिस्ट्रिक्टिव टाइप और मैर अब्जॉर्प्टिव टाइप की अपनी प्रोसीजरल इश्यूज हैं जिनमें ये है कि उसको सोचना ये है कि दिस इज़ अ लाइफ टाइम कमिटमेंट विच ही और शी इज़ डूइंग विद हर सेल्फ, दैट आइदर शी इज़ गोइंग फॉर अ गुड फूड और अनहेल्दी गुड जंक फूड और अ गुड लाइफ स्टाइल. ठीक है जी, विदाउट डिजीजेज एंड कंपेरेटिवली मोर लाइफ एक्सपेक्टेंसीज. दूसरी चीज़ उनको ये समझना है कि दिस इज नॉट अ मैजिक,
ठीक है, जो वो समझ के आते हैं कि जी बस डाइटिटिशियन से नहीं हल हुआ, फिजिशियन के टीकों से हल नहीं हुआ, अब सर्जन कुछ पढ़ के भूखेगा और मैं पतला हो जाऊंगा, ऐसे नहीं है। जो उन दो स्पेशलिटीज़ जो कि एक्सपर्ट्स हैं उनसे नहीं हल हुआ तो हम भी जो करेंगे टाइम लगेगा। और हम हमेशा काउंसिल करते हैं कि 1.5 ईयर्स जो है ना आपको किसी एक वेट लेवल को अचीव करने में लगेगा, और इसमें अगेन यू विल बी नीडिंग हेल्प फ्रॉम द डाइटिटिशियन एज वेल एज द फिजिशियन एज वेल एज द साइकोलॉजिस्ट। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बेसिकली टाइम रिलेटेड हैं, क्योंकि इसमें बीच में उसको फर्स्ट 2-3 मंथ ऐसे उसने गिरना वेट ने, जब 2-3 मंथ में ऐसे गिरेगा उसकी मसाइल आएंगे लाइक ही और शी फील वीकनेस, हेयर फॉल, स्किन टोन का एकदम डल हो जाना, इसके अलावा बोन्स लगना कि जैसे ना मैं वीक हो गई हूँ या हो गया हूँ। एक्चुअली दैट इज़ ड्यू टू द सडन वेट लॉस एंड सडन इलेक्ट्रोलाइट लॉस। वो उसको समझाना पड़ता है कि वो जो कि मेनली न्यूट्रिशनिस्ट डील करते हैं कि जी हाउ टू डील विद दिस। देन कम्स आफ्टर 3 मंथ बॉडी लॉक, एक टाइम आता है जब वेट रुक जाता है, लॉक लग जाता है, अब डिप्रेशन शुरू हो गया, अब बेसिकली हमारे जो दूसरा ग्रुप है वो दूसरा सपोर्ट ग्रुप शुरू हो गया, साइकोलॉजिस्ट की डोमेन आ गई कि उनको बताना है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। ठीक है, जो 1.5 ईयर का जर्नी था उसका पार्ट है, इसको हम भी बताते हैं, ये लोग भी बताते हैं। और इसमें क्या है, इसमें फिर हम हेल्प ले सकते हैं विद अ न्यूट्रिशनिस्ट एज वेल एज अ फिजिशियन। ठीक है जी, फिजिशियन कई दफा हमें बूस्ट करते हैं, प्लस एक उसको कंसल्ट करना कि जिम ज्वाइन करें, सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज विल हेल्प। एंड देन जब वो एक वेट अचीव कर लेता है, करके उसकी मेंटेनेंस, इस मेंटेनेंस को भी बताना उसको ज़रूरी है कि नाउ इफ यू आर, मतलब मैं एक पेशेंट, आई ट्राई टू कॉल दैट पेशेंट बट समहाउ मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ। ही स्टार्टेड दिस जर्नी एट 168 kg और इस वक्त वो 85 kg पे पहुंच गया हुआ है विद इन अ ईयर। लेकिन अब वो बेसिकली थोड़ा सा ना बेईमानी करता है, मुझे पता है वो पेप्सी पीता है और कोक पीता है और मुझे बताता नहीं है। उसके भाई ने मुझे बताया कि ये पी रहा है, ठीक है ना, ये इसको पेप्सी का शौकीन था तो ये मीठी चीज़ें लेता है। अब उसको समझाने के लिए ये बताया, मतलब कि उसको फिर काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो बेसिकली अब इस वेट को मेंटेन करना भी उसकी जिम्मेदारी है, बिकॉज आवर सर्जरीज कैन रिड्यूस हिज ईटिंग हैबिट्स बट ड्रिंकिंग हैबिट्स लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स और वो भी मीठे, वो नहीं रोकेंगी। तो ये सारी चीज़ों को डील करना, ये हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है और अगेन अ लाइफ टाइम जॉब है, ठीक है, फॉर दैट पेशेंट। थैंक यू सो मच सर। सर ने साइकोलॉजिस्ट की बात की तो मैडम, हाउ सिग्निफिकेंट इज द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग ओबेसिटी? थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ारा फॉर हैविंग मी हियर। अभी जब सबने ओबेसिटी की बात की तो जब मैं क्लाइंट्स के साथ डील कर रही होती हूँ तो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैम तस्नीम ने एड्रेस की कि उनका रिलेशनशिप क्या है ओबेसिटी के साथ। जब हम बच्चों को कह रहे होते हैं बहुत यंग एज से, एडोलेसेंस से, कि आपको पतले होना चाहिए, यू आर चबी, या हम रिमार्क्स पास कर रहे होते हैं, तो मैं किस चीज़ को एज ए मदर, एज ए फादर, एज ए एल्डर सिस्टर, हम किस चीज़ को अवॉइड करना चाह रहे हैं? अगर हम लोग अपने ही सेटअप से कुछ एग्जांपल्स लें तो हमारा नॉर्मली ये होता है मोर और लेस लाइक कि इसमें कुछ चेंज होगा, अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे, ठीक है, ज़्यादातर। सो जो सेल्फ एस्टीम है, मेरी जो वर्थ है, मेरी सेल्फ वर्थ है, दैट इज़ अटैच्ड विद माय अपीयरेंस। तो ओबेसिटी पीछे चली जाती है एज ए सिंड्रोम, एज ए डिजीज़, एज ए लाइक एक लाइफ लिमिटेशन। ओबेसिटी सामने आ जाती है विद सेल्फ वर्थ के साथ, मेरी सेल्फ एस्टीम के साथ, और वहाँ से फिर उसके साथ हम स्ट्रेस को, स्ट्रेस अटैच हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो जितने भी डोमेन्स में हम काम कर रहे होते हैं, जो सबसे ज़्यादा चीज़ एड्रेस होने वाली होती है कि मेरी ओबेसिटी के साथ या मेरी अपेयरेंस के साथ स्ट्रेस अटैच है। सो अक्सर जो आप देखते हैं कि जो इमोशनल ईटिंग है, बिंज ईटिंग है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, जो लोग खाना एकदम से छोड़ देते हैं, या बुलिमिया नर्वोसा है कि खाना खा के वॉमिट कर देना, या अगेन ओबेसिटी को बस ले लेना। अभी भी आई हैव सीन अ क्लाइंट इन द मॉर्निंग जिसने ओबेसिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, शी इज़ सफरिंग विद PCOS बट शी इज़ नॉट वर्किंग ऑन इट। और उसमें क्या है, मदर इज़ लाइक डीलिंग विद एवरीथिंग, मदर इज़ टेकिंग ऑल द प्रेशर फ्रॉम द सोसाइटी एंड ऑल द रेजिस्टेंस फ्रॉम द चाइल्ड। तो इसलिए ओबेसिटी में जो जो चीज़ें साथ में इन्वॉल्व हैं, अगर हम उनको एड्रेस करते हैं तो उसकी वजह से ओबेसिटी को एड्रेस करना ईजी हो जाता है। जैसे मैडम आपने इमोशनल ईटिंग की बात की, बिंज ईटिंग की बात की, बहुत सारे लोग इस वजह से भी ओबेसिटी से फाइट नहीं कर सकते बिकॉज व्हेनेवर दे आर स्ट्रेस इन एनी स्ट्रेसफुल कंडीशन वो इमोशनल ईटिंग करते हैं। तो व्हाट स्ट्रेटजीज वी कैन अडैप्ट
टू प्रिवेंट दैट और टू स्ट्रगल विद दैट? सबसे पहले तो ये है कि अगेन स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है, स्ट्रेस के फैक्टर्स क्या हैं, एंड डेफिनेटली जैसे डॉक्टर कामरान ने कहा, मैं खुद भी एग्री करती हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट भी कि हम स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर सकते. सो नाउ वी नीड टू डील विद द स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस के साथ रहने की आदत डालनी चाहिए. सो स्ट्रेस मुझे कैसे अफेक्ट कर रहा है और स्ट्रेस का प्राइमरी सोर्स क्या है? अगर आप मेडिटेशन करते हैं, देखिए एक हम जब भी हम स्ट्रेस में जाते हैं तो हमारे पास दो तरह की, एक डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं. तो जैसे ये बिंज ईटिंग हो गया, इमोशनल ईटिंग हो गया, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स ना. तो आप उसको माइंडफुलनेस के साथ, एक्सरसाइज के साथ या किसी और एक्टिविटी के साथ, जैसे कुछ स्ट्रेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, सेल्फ हेल्प एक्सरसाइजेस हैं, आप उसके साथ उसको शिफ्ट कर सकते हैं. लेकिन जो माइंडफुलनेस है या मेडिटेशन है, दैट हेल्प्स अ लॉट कि आप स्ट्रेस को अपने स्ट्रेस पे काम करें. और अगेन यही है कि पहले स्ट्रेस को डील किया जाए कि स्ट्रेस का जो बेसिक फैक्टर है या स्ट्रेस का जो बेसिक मोडेम है वो कहाँ से आ रहा है. सो अगर आपका अपना सेल्फ ही स्ट्रेस है, आई एम स्ट्रेसफुल बिकॉज आई एम लाइक आई एम ओबीस, दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रेसफुल, तो मुझे फिर अपने साथ काम करना है. आई हैव टू वर्क विथ माई सेल्फ इस्टीम एंड माई सेल्फ वर्थ. Thank you very much. Thank you everyone for such a wonderful and informative discussion. If anyone from the audience having any question, please feel free to ask. Yes, sir. Please. Thank you very much for talking about the interest around.